बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इसको सिंप्लीफाई करें। तो ये है एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चन हैं और ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के ज़रिए से जो है ये सिंप्लीफाई होते हैं। अच्छा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को हर एक के साथ आपको न रिपीट करने की ज़रूरत है, न याद करने की ज़रूरत है, बल्कि इतना याद रखें कि जब ये डिवीज़न होता है, यानी 3/3, तो ये एक तरह का डिवीज़न है, तो इन दोनों के एक्सपोनेंट्स जो है ये आपस में सबट्रैक्ट होगी, ठीक। और जब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, जहाँ जैसे यहाँ पर है 2 × 5, तो एक्सपोनेंट्स को हम ऐड करेंगे, ठीक। एक्सपोनेंट्स विल बी एडेड। तो आइए सबसे पहले वाला सॉल्व कर देते हैं। 3 raised to the power 5 डिवाइड बाई 3 raised to the power 2। तो इसको इस तरह सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे 1 3 और इसके एक्सपोनेंट को आपस में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक। 5 − 3, ठीक, −2, 5 − 2, तो इसका आंसर आएगा आपके पास 3 raised to the power 3, ठीक। और फिर हम इसको भी मज़ीद सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 raised to the power 3 विल बी इक्वल टू 27। तो यही इस क्वेश्चन का, इस वाले पार्ट का आंसर है। अच्छा, सेकंड पार्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर 2, 2 raised to the power 4 × 5 raised to the power 3 डिवाइड बाई 10 raised to the power 2। इसको किस तरह सॉल्व करें, इसके सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले कि 2 raised to the power 4 × 5 raised to the power 3, और ये जो 10 है इसको, इसके हम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसको दो फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे, यानी 2 × 5 तो 10 हो जाएगा, और इसके ऊपर पावर यही आएगा, यानी 2 का पावर इसके ऊपर आएगा। अब ये इक्वल किस चीज़ का हो गया, 2 raised to the power 4 × 5 raised to the power 3 एंड डिवाइड बाई, अब ये 2 इसका भी पावर है और इस 5 का भी पावर है, पावर अपने अपने को अलग दे दे, 2 raised to the power 2 × 5 raised to the power 2। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास भी 2 बेस है, 2 5, और नीचे भी 2 बेस है, 2 5, तो ये लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन के थ्रू जो है ये सॉल्व होंगे, लॉ ऑफ डिवीजन, ठीक। तो 2 raised to the power 4 नीचे वाला 2 चला जाएगा, ऊपर माइनस हो जाएगा, −2 हो जाएगा, एंड मल्टीप्लाइड बाय 5 raised to the power 3 एंड −2, नीचे वाला 2 ऊपर आ जाएगा, एंड दिस विल बिकम इक्वल टू 2 raised to the power 2 × 5 raised to the power 1, और ये बन जाएगा, दो दो ने 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 5, एंड 5 फाइनल आंसर विल बी, इसका 5 फाइनल आंसर आएगा 20, ठीक। एंड दिस इज़ आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लास्ट वाले पार्ट पर आते हैं, 3 नंबर पार्ट पे, और वो है a + b raised to the power 2 एक्सपोनेंट, दिस इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंट, एंड c + d raised to the power 3 डिवाइडेड बाय a + b इनटू डॉट, ये लिखे या ऐसे इनटू लिखने, c + d raised to the power 2। तो यहाँ पर भी a + b है, यहाँ भी a + b है, यहाँ ऊपर भी c + d, यहाँ भी c + d, तो इसके पावर्स को आप मैनिपुलेट करें, पावर्स जब डिवीजन से ऊपर चले जाते हैं तो ये पावर्स सब्ट्रैक्शन में चले जाते हैं, तो a + b का पावर है 2 और नीचे वाले a + b का पावर है 1, तो ये आ जाए कि −1 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय c + d लिख ले, raised to the power 3 और −2, नीचे वाला फायर पावर जाके ऊपर −2 हो जाएगा, और आंसर क्या आएगा, a + b raised to the power 1 और डॉट c + d raised to the power 1, तो फाइनल आंसर आपका आ गया a + b × c + d, और यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, एक्सपोनेंट्स का क्वेश्चन, ठीक। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।